प्रश्न, उस आदमी का क्या हुक्म है जो रमजान के रोजों की कजा करना भूल गया यहाँ तक कि दूसरा रमजान आ गया। उत्तर, हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह ताला के लिए योग्य है। फुकहा की इस बात पर सर्व सहमति है कि भूल चूक एक ऐसा उज्र है जो सभी अवहेलनाओं में पाप और जवाबदेही को समाप्त कर देता है। इसके बहुत से प्रमाण हैं जो कुरान और हदीस में वर्णित हैं, परंतु उन्होंने इस बारे में मतभेद किया है कि क्या वह उस अवहेलना पर निष्कर्षित होने वाला फिदिया आदि को भी समाप्त कर देगा। जहाँ तक अगला रमज़ान आने तक रमज़ान की कज़ा को भूलने के मुद्दे का संबंध है, तो विद्वानों ने इस बात पर भी सर्व सहमति व्यक्त की है कि दूसरे रमज़ान के बाद उसकी कज़ा करना अनिवार्य है और वह भूलने के कारण माफ़ नहीं होगा। लेकिन वे कज़ा के साथ साथ फिदिया अर्थात गरीब व्यक्ति को खाना खिलाने के अनिवार्य होने के बारे में दो कथनों पर मतभेद करते हैं। पहला कथन, उसके लिए फिदिया अनिवार्य नहीं है क्योंकि भूल चूक एक ऐसा उज्र है जो पाप और फिदिया को माफ़ कर देता है। अधिकांश शाफ़ईया और कुछ मालिकिया इसी दृष्टिकोण की ओर गए हैं। दूसरा कथन, उसके लिए फिदिया आवश्यक है और भूल चूक एक ऐसा उज्र है जो केवल पाप को समाप्त करता है। इस विचार की ओर शाफ़ईया में से अल-ख़तीब अश-शर्बीनी गए हैं। उन्होंने मुगनी अल-मुहतार में कहा, प्रत्यक्ष यही होता है कि उससे केवल पाप समाप्त होता है, फिदिया माफ नहीं होता है। कुछ मालिकिया ने भी स्पष्ट रूप से ऐसा ही कहा है। राजह अर्थात सबसे सटीक कथन इंशाअल्लाह पहला है। इसके तीन प्रमाण है। पहला, आयतों और हदीसों का सामान्य अर्थ जो भूल जाने वाले व्यक्ति से जवाबदेही को समाप्त कर देती है, जैसे कि अल्लाह ताला का यह फरमान, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना अव अख्तअना, अर्थात ए हमारे पालनहार, यदि हम भूल गए हों या गलती की हो तो हमारी पकड़ न करना। दूसरा, मूल सिद्धांत आदमी का किसी भी जिम्मेदारी से बरी होना है तथा बिना किसी प्रमाण के उसे कफारा या फिदिया के लिए बाध्य करना जायज नहीं है और इस मामले में कोई प्रबल प्रमाण नहीं है। तीसरा, जो व्यक्ति जानबूझकर कजा में विलंब कर देता है उस पर भी इस फिदिया के वाजिब होने के बारे में मतभेद है। चुनांचे हनफिया और ज़ाहिरिया का मानना यह है कि यह अनिवार्य नहीं है तथा शेख इब्ने उसैमीन रहमहुल्लाह का विचार यह है कि यह केवल मुस्तहब अर्थात वांछित है, क्योंकि इसके वैध होने के बारे में केवल कुछ सहाबा के अमल के अलावा कोई प्रमाण नहीं है और यह प्रमाण इतना प्रबल नहीं है कि लोगों को इसके लिए बाध्य किया जाए, बजाय इसके कि उन्हें उस उज्र की स्थिति में इसका बाध्य किया जाए जिसके चलते अल्लाह ने उन्हें क्षम्य समझा है। उत्तर का सारांश यह है कि उस पर केवल कजा अनिवार्य है, खाना खिलाना अनिवार्य नहीं है, अतः वो वर्तमान रमज़ान के बाद कजा करेगा और अल्लाह ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।